उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में सोशल मीडिया हब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को बताए कि वह उनके लिए क्या काम कर रही है। सही तथ्य जनता के सामने आएंगे तो वह सरकार को सहयोग करेगी। सुनिए सीएम योगी का पूरा बयान। दो दिवसीय कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव, सोशल मीडिया हब के लिए आयोजित इस द्विदिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने और देश के सामने प्रस्तुत करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इस दिशा मैं इस अवसर पर आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। इंटरनेट के साथ ही सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें हमारी सतर्कता, हमारी सक्रियता और हमारी सजगता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुधारी तलवार है। अगर हम इसके साथ हैं और इसके साथ चल रहे हैं, हमने उस प्रकार की अपनी तैयारी की है, तो हम इसमें ठहर पाएंगे, अन्यथा यही हम सबको एक और धकेलने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इस दृष्टि से आज के समय में अगर हम कहें तो आज का जो सोशल मीडिया है उसने दुनिया की दूरियां घटाई हैं, और अगर सही प्रत्यक्ष में कहा जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की उस अवधारणा को सार्थक करने का कार्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने किया है तो सोशल मीडिया ने किया है। पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर एक जेब में एक पॉकेट में सीमित करके रख दिया है। तो सुना आपने कि सीएम योगी ने कैसे सोशल मीडिया के बढ़ते कदमों को लेकर बयान दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया से कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विपक्ष हताशा में नकारात्मक चीजें फैलाता है, हमें केवल सही बात अपनी जनता के सामने रखनी होती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।